तुम्हें लगता था स्माइल करना सबसे आसान काम है। वेल, आफ्टर वॉचिंग स्माइल 2 तुम्हें शायद दोबारा सोचना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी हॉरर राइड है जो तुम्हें तुम्हारे चेहरे की मुस्कान को डर में बदल देगी। सो ग्रैब योर पॉपकॉर्न, क्योंकि इस रिव्यू में हम बात करेंगे हॉरर, चिल्स और एक शॉकिंग स्टोरी के बारे में। स्माइल 2 2022 की हिट हॉरर फिल्म स्माइल का सीक्वल है। इस बार स्टोरी नाओमी स्कॉट के कैरेक्टर स्काई रैले के आसपास है। स्काई एक इंटरनेशनल पॉप स्टार है जो अपने नए वर्ल्ड टूर की तैयारी कर रही होती है। तो यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट लगता है, राइट? फेम, सक्सेस और दुनिया भर की पॉपुलैरिटी। लेकिन फिर उसके साथ होने लगते हैं कुछ ऐसे अजीब और क्रीपी एक्सीडेंट। मतलब कि जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, स्काई को अपने डार्क पास्ट का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, जो तुम्हें दिख रहा है जरूरी नहीं कि वो सच हो, और ये फिल्म तुम्हें ये बात समझाने में काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। नाओमी स्कॉट ने स्काई रैले का रोल बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया है। उसका कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग पॉप स्टार से एक परेशान इंसान का सफर है, तो तुम उसके इमोशंस को फील कर पाओगे, स्पेशली उसके एक्सप्रेशन और आवाज के चेंजेस से। सपोर्टिंग कास्ट भी अच्छा काम करते हैं जो टेंशन और मिस्ट्री को बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा स्टार यहाँ नाओमी स्कॉट ही है, जो तुम्हें पूरी मूवी के दौरान सीट से चिपका के रखती है। डायरेक्टर पार्कर फिन ने स्माइल 2 में हॉरर को एक नए लेवल पे ले जाने की कोशिश की है। ये मूवी तुम्हें चिल्स और गूज़बम्प्स देती है। सिनेमेटोग्राफी काफी ज्यादा टाइट है। लाइटिंग और शैडो का भी काफी क्लेवर यूज किया गया है, जो हर सीन को और ज्यादा इंटेंस बनाता है। जंप स्केयर बिल्कुल सही मोमेंट पे आते हैं और बिना ज्यादा दिखावा किए सस्पेंस को बढ़ाया गया है। इस बार स्टोरी लाइनर नहीं है जैसे पहली मूवी थी। इसमें ट्विस्ट है जो तुम्हें गैसिंग गेम खेलने पर मजबूर करते हैं। एक टाइम पर तुम सोचोगे कि स्काई अपने पास से भाग रही है, दूसरे मोमेंट में लगेगा शायद सब कुछ उसके दिमाग का खेल है। स्टोरी बहुत इंगेजिंग है और तुम बोर होने का सोच भी नहीं पाओगे। स्क्रीन प्ले भी अच्छा लिखा गया है और डायलॉग से भी तुम्हें इम्पैक्ट मिलेगा, स्पेशली नाओमी के मोमेंट्स जो तुम्हें अंदर से हिला देते हैं। हॉरर जनरल में स्पेशल इफेक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और स्माइल 2 इस डिपार्टमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग है। क्रीपी मोमेंट्स और हेलोकिनेशन सीन्स बहुत अच्छे दिखाए गए हैं। तुम कभी कंफ्यूज हो जाओगे कि ये रियल है या इमेजिनेशन। म्यूजिक काफी ज्यादा इफेक्टिव है। बैकग्राउंड स्कोर तुम्हें फियर और ज्यादा एम्पलीफाई करता है, और क्लाइमैक्स के टाइम म्यूजिक इतना इंटेंस हो जाता है कि तुम स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाओगे। ये मूवी थिएटर एक्सपीरियंस के लिए बनी है। स्माइल 2 एक ऐसी हॉरर फिल्म है जो तुम्हें डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अगर तुम्हें पहली स्माइल पसंद आई थी तो ये सीक्वल्स और भी ज्यादा इंगेजिंग लगेगी। तुम्हारे दोस्तों के साथ देखने में मजा आएगा। और हाँ, कोई बड़ा बोलेगा स्माइल मत करना, डर लग रहा है। अब बात करते हैं कुछ प्रोस और कॉन्स की। प्रोस की बात करें तो मूवी का स्टोरी स्ट्रक्चर और नाओमी स्कॉट की एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है। मतलब पूरी मूवी तुम्हें शुरू से एंड तक हुक्ड रखती है। हॉरर फैंस के लिए काफी स्केरी मोमेंट्स है। अब कुछ कॉन्स की बात करें तो कॉन्स में कहानी कभी कभी मूवी थोड़ी स्लो हो जाती है, स्पेशली मिडल पार्ट में। लेकिन अगर तुम हॉरर के बड़े फैन हो तो ये ज्यादा मैटर नहीं करेगा। तो दोस्तों, अगर तुम्हें साइकोलॉजी हॉरर पसंद है जो तुम्हें रात भर सोचने पर मजबूर करे, तो स्माइल 2 देखना बनता है। ये सिर्फ एक हॉरर नहीं, एक साइकोलॉजी थ्रिलर है जो तुम्हारे दिमाग के साथ खेलती है। थिएटर में देख के बताओ तुम्हें कितना डराया। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना तुम भी स्माइल नहीं कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।